डोमिनेंस यानी कि वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये जानवरों में भी होती है। और मेल पांडा में तो वर्चस्व की लड़ाई एक अलग ही लेवल पे चल रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सिर्फ अपने वर्चस्व को यानी कि अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए मेल पांडा हैंड स्टैंड करके टॉयलेट करते हैं, मतलब अपने हाथों पे खड़े होकर सुसु करते हैं। और मजे की बात यह है कि जिसके सुसु की धार या मार्क पेड़ पे सबसे ऊपर होता है उसका वर्चस्व उतना ही ज्यादा माना जाता है। ये पांडा जितने ज्यादा क्यूट होते हैं उनकी हरकतें उतनी ही ज्यादा फनी होती हैं। गाइस, हम में से बहुत सारे लोग अपनी भारतीय भाषाओं को इस्तेमाल करने तक में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी भारतीय भाषाओं को बड़े बड़े मंचों पर बहुत प्राउडली बोलते हैं। उनमें से एक है डॉक्टर गौरव शर्मा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में डॉक्टर गौरव शर्मा को MP चुना गया, और जब 25 नवंबर को उन्होंने अपने पद की शपथ ली तो वो उन्होंने संस्कृत भाषा में ली, और ऐसा करके वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डॉक्टर गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं और 1996 में वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए। किसी यूजर ने उन्हें पूछा कि आपने शपथ हिंदी में क्यों नहीं ली, तो इस बात पे उन्होंने जवाब दिया कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, कई बार आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि खाना खाने के जस्ट बाद हमारे सीने में जलन होने लगती है, और गलती से अगर हम लोग स्पाइसी खाना खा लें तो ये जलन और भी ज्यादा होती है। अब इसके पीछे का कारण होता है खाने से प्रोड्यूस होने वाला एसिड, और अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत सिंपल सा उपाय है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको खाना खाने के जस्ट बाद च्युइंगम चबानी है। अब च्युइंगम चबाने से क्या होगा, देखिए च्युइंगम चबाने से सलाइवा पैदा होगा जो कि बेसिक नेचर का होता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर जाएगा और खाने से प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरह से आपकी जो जलन हो रही है, जो ये प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगी। है ना गाइज, अमेजिंग फैक्ट। गाइज, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।